राजधानी पटना में बीते 7 तारीख की सुबह अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित संजय नगर में पिता के मूर्ति पर पूजा कर रहे वार्ड 30 के पूर्व पार्षद मुन्ना राय को बाइक सवार दो अपराधियों द्वारा दो गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा कंकड़बाग के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उनके इलाज चल रही थी। आज उनका इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ने के बाद मौत हो गई। बता दें, कुछ दिन पहले जकनपुर थाना क्षेत्र के विग्रहपुर के रहने वाले पूर्व पार्षद मुन्ना राय, जो कि सुबह सुबह अपने पिता के प्रतिमा पर मालाएं अर्पण करने पहुंचे थे, उसी समय बाइक से पहुंचे दो अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उनको पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। उनका इलाज पटना के निजी अस्पताल में लगभग आज 12 दिन से चल रहा था। हालांकि परिजनों की माने तो 3 दिन के बाद स्थिति कुछ ठीक हो गई थी, लेकिन आज सुबह अचानक स्थिति भी बिगड़ी और मुन्ना राय ने दम तोड़ दिया। पुलिस पासा सब जान रहा है इसमें कौन कौन किसका मिली भगत है, लेकिन अभी तक तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सब चुप्पी बांधे हुए, खाली संभावना देता है कि होगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। पुलिस अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहा, खाली करा होगा कुछ, न्याय हमको नहीं मिला। छोड़ दिया एक बेटा है, उसको पर खतरा है। आप हमको बताइए, एक तो इनके पति चले गए, इनका ससुर चला गया, इनके बहनोई चले गए, 4 दिनों से ये रखे हुए हैं। कंसंटेंट भी का भी वही हाल है। लास्ट को 8, अब कल परसों जब आए हैं डॉक्टर गुलेरिया सभी लोग, स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 35% को गरीब को इलाज करना होगा। ये 1 रुपया टैक्स नहीं देता इंडिया को, ये यहाँ बिना पैसा गई है जमीन ले लिया। और जयप्रभा के नाम पर आप देखिए तो जयप्रभा कितना तो है, डॉक्टर मेदंता का कितना बड़ा नाम है, छोटा सा जयप्रभा, मेदांता बड़ा। 1 रुपया की जमीन नहीं, सबसे बड़ा अरबों की जमीन ले लिया। और उसके बाद बैठ के ये डॉक्टर रवि यहाँ गुंडा पाले हुआ, गुंडा बाउंसर पालता है ये लोग, चुन चुन के बाहर भी इन लोगों को रगड़ने की जरूरत है, बाउंसर पालता है। 12 दिन हो गए अभी तक। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और काफी संख्या में लोग अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। खुलासा के लिए पटना से प्रकाश की यह रिपोर्ट।